प्राण प्रतिष्ठा में यूपी पुलिस के जवानों ने और अधिकारियों ने बहुत जीतोड़ मेहनत की और उन्होंने इसको सफल बनाया और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी लोगों द्वारा की गई है। अब इस आगे दर्शनार्थी ज़्यादा आने की संभावना है तो उसके लिए हम लोग नई व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे अंदर जाएंगे और होल्डिंग एरिया में कैसे रुकेंगे और फिर दर्शन करके किस रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसलिए किया जा रहा है कि ताकि एक साथ अगर श्रद्धालु आ जाते हैं, अगर मान लीजिए एक साथ 50,000 लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो थोड़े थोड़े करके अंदर जाएंगे, तो इसलिए उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि एक लाइन बनाई जाए जो धीरे धीरे लोग प्रवेश करें, प्रवेश करके अपना बाहर निकलते जाएं, ताकि बहुत इंतजार न करना पड़े और जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बहुत प्रेशर ना हो और अंदर जहाँ जहाँ अलग अलग जो अंदर पॉइंट्स हैं दर्शन के लिए जाते हैं तो उन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट हो जाए, बहुत भीड़ ना आ जाए, लोग उतावले हो जाते हैं कि भाई हम मतलब अगर बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनका एक साथ जाना संभव नहीं है, एक एक दो दो करके ही जाएंगे, तो पहले ही एक एक दो दो की लाइन बनाई जाएगी और अंदर उनको प्रवेश दिया जाएगा। फोर्स पर्याप्त मात्रा में दिया गया है और जितना ट्रैफिक पुलिस, पीएसी और जल पुलिस और हर प्रकार का जो है उनको स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ में उनको फोर्स दिया गया है और फोर्स वहाँ पर्याप्त है। अगर और आवश्यकता होगी तो और दिया जाएगा।